शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच पर आज युवा दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो दिन के पूर्वाभ्यास के बाद आज विद्यार्थियों ने एक साथ एक लय ताल के साथ सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं के साथ 3 चक्र पूरे किए। सूर्य नमस्कार के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रसारित निर्देशों के साथ प्राणायाम भी किया गया। सूर्य नमस्कार के दौरान लगभग 500 छात्र छात्राएं शामिल रही। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश भी प्रसारित हुआ। अतिथियों और विद्यार्थियों मध्य प्रदेश यशगान भी किया। युवा दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में विधायक दुलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एडीएम नेहा मीणा, एसडीएम ममता खेड़े, जिला क्रीडा अधिकारी सावित्री मालवीय, जिला युवा प्रभारी शबनम खान, जिला योग प्रशिक्षक श्याम मालवीय, जिला शिक्षा अधिकारी सी के शर्मा, सहायक संचालक मनोज जैन, प्राचार्य सुजानमल मांगरिया, वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती पुष्पलता, अरविंद शर्मा और विद्यालय का स्टाफ सम्मिलित हुआ। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने योग दिवस मनाकर स्वामी विवेकानंद के जयंती दिन जन्म दिवस के अवसर पर 12 जनवरी एक नया संदेश दिया है कि युवा बने रहने के लिए योग व्यायाम करते रहें। और योग की हमारी प्राचीन परंपरा है, बाबा रामदेव जी भी योग सिखाने का काम करते हैं। आज हम सब बच्चों में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए वह स्वस्थ रहे, उनकी बुद्धि स्वामी विवेकानंद जैसी तीव्र हो और वह आगे जाकर वह नीमच की लाल माटी का नाम रोशन करे। जिला स्तरीय योग यहाँ रखा गया था, उस योग में हम सब ने भी योग करके और एक संदेश दिया है कि प्रतिदिन हमें स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए। आज युवा सन्यासी जो नरेंद्र नाम का एक विद्यार्थी था, उनने कलकत्ता में जन्म लेकर पूरे भारत का मान विश्व में बढ़ाया, उनकी आज जन्म जयंती है। और वो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मेरे साहसी युवकों और युवतियों, या विश्वास रखो कि आप ही सब कुछ हो, महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, चाहे व्रज भी गिरे तो भी डीडर होकर खड़े हो जाना, सफलता आपके कदम चूमेंगी। तो विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर आज हम सब लोग चल रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति बढ़ रही है और हम आज इस अवसर पर यही प्रार्थना करेंगे कि सब प्रतिदिन योग करें। आज माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आ रहे हैं, वो राष्ट्रवाद के प्रखर वक्ता हैं, उन विवेकानंद जी के जीवन पर भी वो प्रकाश डालेंगे। तो मेरा सभी से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भाई बहन नौजवान युवा सभी स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में 11 बजे पहुँचे और उस अवसर का लाभ लें। पुनः आज विवेकानंद जयंती पर योग दिवस पर आप सबको बधाई शुभकामनाएँ। जी, आज 12 जनवरी है और आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, उसके अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में सूर्य नमस्कार का सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया है और उनके वचनों और मुख्यमंत्री जी के वाचन का, उनके निर्देशों का भी वाचन किया गया है। इससे सभी लोग लाभ उठाएं और स्वामी विवेकानंद जी के जो आदर्श हैं उस पर सब युवा चलने की आकांक्षा करी जाती है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।